ये हैं भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के सिटिंग एमपी रमेश भदौड़ी। इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा, अक्सर अपने बड़बोलेपन के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार ऐसे विवादित बयान देकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। शायद यही वजह है कि इस बार पार्टी ने भदौड़ी को सबक सिखाने के लिए बड़ा झटका दे दिया है। शनिवार 2 मार्च की शाम को भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई पुराने चेहरों को बीजेपी ने फिर मौका नहीं दिया। दिल्ली में 5 में से 4 सीटों पर खेल हो गया, 4 सिटिंग एमपी का टिकट कट गया और इसी लपेटे में आए हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश भदौड़ी। रमेश भदौड़ी की जगह इस बार लिस्ट में नाम इस सीट से रामवीर भदौड़ी का है, यानी बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। जहां एक तरफ रमेश भदौड़ी को उनके बड़बोलेपन का खामियाजा उठाना पड़ा है, तो वहीं बीजेपी ने भदौड़ी समाज को भी साथ ही रखा और टिकट रामवीर भदौड़ी को दे दिया। फिलहाल तो सियासी गलियारों में यही चर्चा है। आपको बता दें कि दिल्ली में चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल उम्मीदवार बने हैं और हर्षवर्धन का टिकट कट गया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत उम्मीदवार हैं और परवेश वर्मा का टिकट कट गया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर भदौड़ी उम्मीदवार बने हैं और रमेश भदौड़ी का टिकट कट गया है। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से दोबारा मनोज तिवारी को टिकट मिला है, यानी कि 5 सीटों में से मात्र मनोज तिवारी ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट रिपीट हुआ है। खैर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।